Hello my healthy foodie friends and welcome to my channel Quick and Healthy Bites. Today I'm going to share with you this amazing bell pepper sandwich recipe which my family just loves to have. So without much ado, let's start preparing it. But before that, subscribe to my YouTube channel and follow me on my Facebook and Instagram page Quick and Healthy Bites. Do press the bell icon for notifications if you're watching on YouTube. तो इसके लिए एक पैन में हम 1 टीस्पून ऑफ घी गरम कर लेंगे और अब हम उसमें डालेंगे अनियन जो मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं. इसको हम थोड़ा सौते कर लेंगे एंड देन वील ऐड बेल पेपर्स. तो मेरे पास रेड एंड ग्रीन बेल पेपर्स अवेलेबल है तो मैं वो डाल रही हूँ. अगर आपके पास येलो बेल पेपर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें. थोड़ा सा हम इसे सौते कर लेंगे. इसमें जो मैंने बेल पेपर्स यूज़ किए हैं उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है तो आप देख सकते हैं ये कितना कलरफुल दिख रहा है एंड ये खाने में भी बहुत डिलिशियस होता है एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी हेल्दी. नाउ वील ऐड रॉक सॉल्ट. तो यू कैन ऐड एज पर योर टेस्ट. आई एम एडिंग 1 टीस्पून ऑफ रॉक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून. इसमें अब मैं डाल रही हूँ क्रश्ड रोजमेरी 1 टीस्पून. अगर आपके पास रोजमेरी नहीं है तो आप ओरिगानो या बेजिल लीव्स भी डाल सकते हैं इसमें. सबका टेस्ट ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट होगा बट आप कोई भी हर्ब डालें इसमें इट रियली टेस्ट डिलिशियस. अब ये हमें थोड़ा सा कुक करना है ताकि ये जो वेजीज हैं ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अराउंड 1 टेबल स्पून ऑफ फ्रेश क्रीम. उसको हम मिक्स कर लेंगे इसके साथ ही एंड थोड़ा अच्छे से कुक कर लेंगे सो दैट ये अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे वेजीज के साथ. एंड बस हमारा स्टफिंग रेडी है एंड नाउ वील प्लेस इट ऑन द ब्रेड स्लाइस. इसे हम कवर कर देंगे दूसरे ब्रेड स्लाइस से एंड ऑन अ प्री हीटेड पैन थोड़ा बटर लगा के एंड इसमें हम थोड़ा सेसमे सीड्स डालेंगे. मैं इसमें ब्लैक सेसमे सीड्स यूज़ कर रही हूँ. यू कैन ऑल्सो यूज़ वाइट सेसमे सीड्स एंड देन वील प्लेस द सैंडविच. अब इसे दूसरे साइड में भी हम बटर एंड जो सेसमे सीड्स है वो लगा लेंगे. एक साइड से अच्छे से ये ग्रिल हो जाए देन वील जस्ट फ्लिप इट. इसे हमें थोड़ा लाइट ब्राउन एंड क्रिस्पी करना है इसलिए थोड़ा बटर लगा के सेकने से ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है. तो इस तरह से देखिए ऐसा कलर आएगा ये. अब हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से ग्रिल कर लेंगे एंड दैट्स इट. योर सैंडविच इज़ रेडी. इन्जॉय इट विथ योर फेवरेट केचप और डिप एंड आई एम श्योर यू जस्ट लव इट. डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई जस्ट होप यू इन्जॉय दिस डिलिशियस एंड हेल्दी सैंडविच. स्टे सेफ, ईट हेल्दी एंड इन्जॉय कुकिंग.